हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट कोज 4। तो चलिए, हमारा गेम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और जो भी मन में आएगा, मतलब दिमाग में जो भी आएगा वो मैं बोलता रहूँगा, और जो गेम प्ले है वो चलता रहेगा। तो ये कुछ कट सीन वगैरह आते हैं स्टार्टिंग में। कट सीन से बहुत नफरत है भाई मुझे, जितने भी कट सीन्स आते हैं ना, तो इनसे बहुत ज़्यादा नफरत है। तो हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी अच्छा एक्शन है इस गेम में। ग्राफिक्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि रात का टाइम हो रखा है तो ग्राफिक्स इतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं, तो दिन के उजाले में ही सब कुछ दिखता है भाई। Where to now? रात के हिसाब से वैसे ठीक ग्राफिक्स हैं। और ये पैराशूट कैसे खुलेगा? स्पेस से पैराशूट खुल जाता है। खोल ले भाई पैराशूट। अब हमें वो जो दिख रहा है ना ग्रीन निशान, वहाँ जाना है। और फिजिक्स की इस गेम में धज्जियाँ उड़ती है भाई, कोई फिजिक्स वगैरह काम नहीं आती इसमें, ऐसे ही घूमता रहता है, उछलता रहता है कहीं पर भी। तो फिजिक्स इसमें सलमान भाई ने डिज़ाइन करी है। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, ये हम पहुँच चुके हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। थोड़ा आगे चलते हैं, बर्फ में पैर मारते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई। अच्छा, ऊपर जाना है। तो ये हम ऊपर चढ़ चुके हैं, और ऊपर जाना है इन पाइप्स की हेल्प से। वहाँ पे आ रहा ग्रीन निशान, तो यहाँ पे भी चढ़ चुके हैं, और ये ऊपर चढ़ चुके हैं हम। ऊपर जाना, और भी ऊपर जाना अभी। तो ओपन वर्ल्ड गेम्स जो होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं खेलने में, जैसे बाकी की गेम्स है, रेजिडेंट ईविल जैसे 2 हो गए, उनमें थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ता है। पर इसमें सीधा कुछ नहीं है, एक्शन है, सीधा अपने जाओ और काम कर दो। तो यहाँ पे भी इतना कुछ खास है नहीं। ये बैरियर जो है, इन पे गोली मारेंगे तो हम जो एक्सप्लोजन हो जाता है। और इस गेम में एक और ख़ासियत है कि इसमें जो एक्सप्लोजन है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियल दिखते हैं एक्सप्लोजन बिल्कुल। तो एक्सप्लोजन इस गेम में काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अभी और एक ग्रीन साइन आ रहा है, जिसमें मतलब थोड़े बहुत हिंट दे रखे हो ना गेम में, तो वो खेलने में मज़ा आता है। ज़्यादा हिंट नहीं, पर थोड़े बहुत हिंट मिलने चाहिए ताकि हमें पता हो कि जाना कहाँ है, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है खाम खाँ और ऐसे ही। और मैंने इसमें एमओ जो है वो हैक किए हुए हैं, तो इसमें एमओ की मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं फिर भटकते रहो एमओ की तलाश में। मैंने इसमें ट्रेनर यूज़ किया एमओ का, एमओ मेरे पास अनलिमिटेड है। ये पहुंच गए। और जो ग्रेपल हुक है इसका, ये भी काफ़ी अच्छा है, टाइम बचा देता है। ग्रेपल हुक नहीं होता फिर तो भाई ये मतलब सदियां लग जाती इसको पूरा करने में। ग्रेपल हुक की हेल्प से ही ये जो है कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। वही पैराशूट भी इसका मस्त है भाई, जेट लगे हुए पैराशूट में। अभी हमें ऊपर जाना है और ऊपर, और ये जो है एकदम चढ़ चुका है ऊपर। नीचे गिरना है क्या? नहीं, नीचे नहीं, और ऊपर जाना है। और देखिए ग्रीन साइन जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये हम चढ़ चुके हैं और ऊपर, और हमें अभी और ऊपर जाना है। इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं, और ये हम जो है ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें लोग मिलेंगे, यहाँ पे देखते हैं। साइंटिस्ट भाग रहे हैं और गोलीबारी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो ये आवाज़ से लग रहा है कि जो ये हमारे दुश्मन है ये लड़कियाँ हैं, लड़के नहीं हैं, लड़कियाँ हैं, आवाज़ से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो थोड़ा आगे चलते हैं, और एक ग्रीन साइन आ रहा है ऊपर, तो वहाँ पे जाके कुछ हमें
करना है और साइंटिस्ट भाग रहे हैं ऐसे ही। यहाँ पे मार दो समझ बोलिया, मर चुकी है ये भी मर चुकी है और ये भी मर चुकी है। मर जा मर जा मर जा, अब इसमें एक्सप्लोजन होगा। देखिए एक्सप्लोजन देखिए आप कितना ज़बरदस्त एक्सप्लोजन बनाया। बस इस गेम में मुझे यही अच्छी बात लगी है एक्सप्लोजन की, मज़ा आता है ऐसे एक्सप्लोजन होता है तो। काफ़ी गेम्स में ऐसे अजीब से फेक से एक्सप्लोजन देखने को मिलते हैं और अभी हमें वहाँ पर जाना शायद से। तो ऊपर चढ़ गया, अरे ओ चलो अभी कहाँ जाना है भाई, अभी और ऊपर जाना है, थोड़ा सा और ऊपर जाना है, और भी जाना है क्या ऊपर बता दो भैया। यहाँ मतलब चरण टिकाने पड़ेंगे तब हमें अगला जो है ग्रीन साइन मिलेगा, मतलब चरण टिकाने होते हैं और यहाँ चरण टिकाऊंगा तब मुझे अगला साइन मिलेगा शायद। हाँ तो यहाँ पे जाना है, ये रहा ग्रीन साइन, यहाँ से हम रुक जाते हैं। एक्शन बहुत मस्त है गेम में, ये बहुत अच्छी बात है। जस्ट कोर्स 2 भी खेला है मैंने, 3 भी खेला है, पर 3 और 4 लगभग सेम ही है ग्राफिक्स वाइज। ग्राफिक्स थोड़े बहुत 4 के ज़्यादा मुझे बेटर लगे 3 से, पर 2 के भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है। अगर आपका लो पीसी है, लो एंड पीसी है, तो आप उसमें जस्ट कोर्स 2 ईजिली खेल पाएंगे। तो मज़ा आता है काफ़ी तोड़ फोड़ करने में, तो मैं भी करता रहता हूँ। हैक द कंसोल, अभी हमें इसे हैक करना है। अरे ग्रेपल जो इसका हुक है ये, इसी से सब काम कर लेता है ये, एक ही हाथ से, दूसरा हाथ इसका फ्री है। यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर हम ले लेते हैं, रॉकेट लॉन्चर मिल गया फिर तो एक्सप्लोजन ही एक्सप्लोजन है, और एमओ भी हमारे पास अनलिमिटेड है तो एक्सप्लोजन ही एक्सप्लोजन करेंगे भैया। हेडशॉट जो थे ना, हेडशॉट मेरे फेवरेट है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती हेडशॉट में, सीधा हेडशॉट मारा और खेल ख़त्म। वो भी काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है भाई, देखते हैं अब। जब तक ये हैकिंग प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें इसके पास ही रहना है, दूर जाते ही कनेक्शन हमारा लॉस्ट हो जाएगा, तो तब तक हमें इसके इर्द गिर्द ही घूमना पड़ेगा और जो दुश्मनों का हमें सफाया करना पड़ेगा, तो हम इसके पास ही रहना ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहे और सीधी जो हैकिंग प्रोसेस है हमारी वो हो जाए। तो इसी के पास रहना हमें, ये वैसे इंट्रो वीडियो है, इसके बाद गेम हमारा स्टार्ट होगा, ये पहला मिशन नहीं है अभी, तो ये मतलब सिंपल इंट्रो वीडियो है, तो इसके बाद हमारा गेम जो है वो स्टार्ट होता है। और ये हमारे कट सीन दोबारा आ चुके हैं और हमारी हैकिंग प्रोसेस जो पूरी हो चुकी थी, तो इस तरीके से कोई ये हाईटेक और एक ग्रेपल हुक लेके जो है चल पड़ा है। जहाँ पे हम अभी गोलाबारी कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो ये उन्हीं के कोई मालिक वालिक हैं और ये कोई औरत है, इसी की ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो भी हम तोड़ा फोड़ कर रहे थे, जितने भी आदमी मारे हैं वो सब इसी के बंदे हैं। और ये हमारा जो प्लेयर है वो उड़ चुका है और शायद ये इस पर एम करेंगे अभी, तो एम कर दिया और with Rico at the airport. Was that who I think it was? See?
deal with that, please. With pleasure. और ये हमारा जो प्लेयर है वो कटी पतंग हो चुका है और ये पैराशूट खोल दिया था, पर ये आंधी आई हुई है, काफ़ी तूफान आया हुआ बर्फ़ का, तो इसमें इसका पैराशूट ने साथ नहीं दिया। और अब जो है हमारा गेम जो है स्टार्ट हो चुका है, तो ये स्टार्टिंग का सीन होता है, थोड़ा मज़ा आए खेलने में और फिर जो है हमारा गेम स्टार्ट होता है। मूवीज़ में भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में सीन दिखाते हैं फिर मूवी स्टार्ट होती है, तो आजकल गेम में भी यही होने लग गया। तो पहले गेम प्ले होता है फिर जो हमारा गेम है वो स्टार्ट होता है। तो हमारा प्लेयर अब होश में आ चुका है और ये कहाँ पड़ा है गंदगी में, और इसका जो हुक है वो भी ख़राब हो चुका है, ये जो ग्रेपल हुक है, मशीन जो इसके हाथ पे लगी है, मुझे पता नहीं क्या है ये मशीन का नाम, सब कुछ इसका ख़राब हो चुका है, जीपीएस सिस्टम भी इसका ख़राब हो चुका है। तो सब कुछ इसका, ये हड्डियाँ भी थोड़ी बहुत चूर वूर हो गई है इसकी, तो रिपेयर करना पड़ेगा सब कुछ। क्रिश्चियन है ये क्योंकि लॉकेट पहन रखा है इसने, जो जीसस का जो सिंबल होता है वो क्रॉस का इसने जो लॉकेट पहन रखा है, तो ये क्रिश्चियन है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ी सी हिचकी आ गई थी भाई, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट टू में, तो चलिए सायोनारा।